ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन को अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में लग रहे निवेशकों के इस मेले की तैयारी ने आकार लेना शुरू कर दिया है। दरअसल 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल अंचल फोकस में रहेगा। अंचल के उत्पादों से लेकर यहाँ निवेश की संभावनाओं को निवेशक नजदीक से जानेंगे। अंचल के लिए ये बड़ा मौका साबित हो सकता है जब देश दुनिया के निवेशकों के सामने यहाँ के अवसरों को सामने रखा जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में नेशनल पार्टनर के रूप में भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर अलग अलग स्तरों पर तैयारियां भी की जा रही हैं। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में देशी विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 1000 औद्योगिक प्रतिनिधि और विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। साथ ही वायव सेलर मीट में लगभग 3000 स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे। 42 स्टॉल लगेंगे और 27 अगस्त से उद्यमियों का आना भी शुरू हो जाएगा। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हमारे यहाँ आयोजित होने जा रहा है 28 अगस्त को, 2008 के बाद में एक बड़ा कॉन्क्लेव है। ये पूरे क्षेत्र को इससे बहुत वृहद रूप से लाभ होगा, ऐसी हम सब की आशा है। और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग्स हो और इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेशन हो। सतत रूप से टीम काम कर रही है और 28 को कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में आने का एक अवसर प्रदान होगा और एक इसके साथ ही में एक प्लेटफॉर्म डेवलप होता है जिससे जो उद्यमी अपना अपना अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लाभ लेकर के अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, अपना रोज़गार भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। रजिस्ट्रेशन के संबंध में हम लोगों ने अराउंड 1100 डेलीगेट्स को, देश और विदेश के जो डेलीगेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनवाइट फॉरवर्ड करे थे और धीरे धीरे हमारे पास में उनका रिप्लाई आते जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन भी जो रजिस्ट्रेशन हमने ओपन करा था उसमें भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और निश्चित रूप से हम लोग एक फुल हाउस उस दिन एक्सपेक्ट कर, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। एक बरसात का समय है तो कुछ चैलेंजेस तो हमारे पास में हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे आने वाले रूट्स हैं, जहाँ हेरिटेज स्पॉट्स हैं वहाँ जाने के लिए, किले के लिए यदि जाने का रूट है, तो इन सबको स्प्रूस अप कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा वेलकमिंग एनवायरनमेंट उस दिन जिले में रहे और उसी दिन क्यों लंबे समय तक रहे, यही ऐसा प्रयास।